हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और जैसा कि यूबीपीसीएल के लिए सिनोनिम एंटोनिम के जो पार्ट चल रहे हैं उसी का अगला टॉपिक है दोस्तों। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है और जैसा कि मैंने इसके पहले भी पढ़ाया था, आपको वीडियो देखे होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश यूबीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जब पोर्शन खोलेंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हालांकि चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे भी पहला जो वर्ड है आपका वो है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है? कंसिस्टेंट मीन्स होता है लगातार या फिर अनुरूप। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट दिया है, यानी कि पेपर में जो था वो दिया था कंसिस्टेंट का एंटोनिम, एंटोनिम पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे जो इसका अर्थ निकल रहा है यानी कि भिन्न या फिर असंगत, यानी कि इसके अनुसार नहीं। ठीक है, अगला वर्ड है क्रेजी। क्रेजी मीन्स होता है पागल, और जैसा कि सिनोनिम्स भी पूछ सकता है तो यहाँ पे मैड, ठीक है, मैड भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं वे फूल वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, फूल, तो इस चीज को देखेंगे। अगला वर्ड है स्कूप। जैसा कि इसके पहले पार्ट में शायद मैंने कराया होगा, स्कूप मीन्स होता है पहले ही खबर दे देना। ठीक है, पहले ही खबर देना, इसको मिस होता है पहले ही खबर देना। जैसे कोई भी चीज़ घटना घटती है तो अभी होने से पहले ही उसके बारे में कोई बता दे कि ऐसा होने वाला है, यहाँ पे मारपीट होने वाला है, तो क्या कर रहा है, स्कूप हो रहा है, यानी कि पहले ही खबर दे दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है हेटफुल। ठीक है, अगला वर्ड जो है वो है हेटफुल। हेटफुल मिस होता है घृणित, यानी कि ऐसी चीज जो एकदम नापसंद हो आपको। ठीक है, हेटफुल है, जैसे बोलते हैं बहुत ही हेटफुल है, तो क्या है, मतलब आप बिल्कुल उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स है, यानी कि सिनोनिम्स पूछा गया था पेपर में, तो डिटेस्टेबल होगा। और जैसा कि मैंने करवा भी दिया है, फिर से रिवीजन यहाँ पे हो जा रहा है आपका। डिटेस्टेबल में होता है घृणा के योग। यहाँ पे डिसलाइक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिसलाइक कि मतलब आप पसंद नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, अगला वर्ड है लायर। लायर मीन्स होता है झूठा। ठीक है, जिसे बोलते आपने फिल्मों में देखा होगा, तो सिंपली वर्ड बोल दिया जाता है उसमें, यू आर लायर, यानी कि तुम झूठे हो। ठीक है, अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का यदि अपोजिट यानी कि एंटोनिम देखेंगे ना, तो आपका होगा एक्सोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, EXTROVER। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। ठीक है, अंतर्मुखी मीन्स क्या होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहिर्मुखी होता है। ठीक है, अंतर्मुखी मीन्स आप अंदर ही अंदर विचार को व्यक्त करते हैं, उसको बोलते नहीं है। ठीक है, बताते नहीं है, तो इंट्रोवर्ट वर्ड बोल सकते हैं। और भी इसका विस्तृत रूप में इसका शब्द का अर्थ निकल सकता है, लेकिन सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट मीन्स जो भी है वो बोल देते हैं, बहुत ही वाचाल टाइप का, मतलब बोलते रहना, कुछ भी ऐसा विचार आया तो उसको बोल देना। ठीक है, क्लैरिटी नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स होता है अस्पष्टता। यहाँ पे सिनोनिम्स ही पूछा गया था क्लैरिटी का। बहुत ज़्यादा आपको यूपीपीसीएल में टफ नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि आप जो ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ यहाँ से देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी मीन्स होता है स्पष्टता, और यहाँ पे लुसिडिटी मीन्स भी होता है अस्पष्टता, यानी कि इसका सिनोनिम है, मैंने पढ़ाया भी। और यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे कभी कभी इसका अपोजिट पूछ देता है। ठीक है, तो क्लैरिटी का अनक्लियर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अनक्लियर, ठीक है, एक एम्बिगुअस होता है। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है? प्रोग्रेस मीन्स होता है उत्कर्ष या फिर आगे बढ़ना। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड में बोला जाता है कि बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, यानी कि आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अगला वर्ड है सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या होता है? अलग करना, यानी कि बोलते हैं ना कि मेरा एक सेपरेट रूम रहना चाहिए, यानी कि आप अपना कमरा जो है अलग मांग रहे हैं। ठीक है, मेरा अलग सेपरेट बेडरूम होना चाहिए, मेरा सेपरेट खाने की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सेपरेट मीन्स क्या हो रहा है, मतलब निकल रहा है कि अलग। ठीक है, जो भी नए वर्ड आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगला वर्ड है, देखिए अब आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे एग्ज़ाम में, हाइपो, HYPO, हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक मीन्स क्या होता है? यानी कि रोग भ्रमी। ठीक है, मतलब ऐसा रोग हो
हुआ है, जिसका कोई लक्षण है, वो काल्पनिक है, आप फालतू में उस चीज को मान बैठे हो, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रिक वर्ड बोलते हैं, स्पेलिंग आप जरूर देखिएगा, HYPO हाइपो CHOND RIAC हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। हाइपनोटिस्ट मीन्स क्या होता है, हाइपनोटिस्ट मीन्स होता है सम्मोहक, ठीक है। हाइपनोटिस्ट मीन्स क्या होता है, सम्मोहक। अगला वर्ड है कीरोप्रैक्टर, CHIRO कीरो PRACTOR, कीरोप्रैक्टर मीन्स होता है हाथ का वैद्य, यानी कि आप देखते होंगे कई लोग हाथ की नब्ज देखकर ही बता देते हैं कि ये दिक्कत है, ठीक है, तो उसे कीरोप्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेज, सेज मीन्स होता है ज्ञानी, यानी कि स्कॉलर वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, SCHOLAR, ठीक है, स्कॉलर। तो से का हो जाएगा ज्ञानी, और फूल मीन्स जैसा कि मैंने बताया है मूर्ख। अगला वर्ड है प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है, प्रीस्ट मीन्स होता है साधु, ठीक है। प्रीस्ट मीन्स क्या होता है, साधु, PRIEST, इसका करेक्ट स्पेलिंग में भी पूछ देता है, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है, साधु। अगला वर्ड है जैसा हम लोग सिंपली भाषा में यूज करते हैं awesome, बहुत ही awesome, यानी कि शानदार, और स्प्लेंडिड आपको वर्ड पता है, स्प्लेंडिड, ठीक है, स्प्लेंडिड, और इसके साथ गॉर्जियस वर्ड भी बताया है, ठीक है, ठीक है, गॉर्जियस वर्ड भी बताया है, उसके बाद वंडरफुल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है, ब्रिलियंट मीन्स होता है तेज, यानी कि बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, बुद्धि जो तेज होता है उसे हम लोग ब्रिलियंट बोलते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ये वर्ड पूछे गए हैं UPBCL में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, ये नहीं कि आपको पूरा बैंकिंग लेवल तक का और SSC CGL लेवल तक के वर्ड को लगे प्रिपेयर करने, बहुत कुछ नहीं, एकाध वर्ड आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन जो सिंपल वर्ड है उसके मीनिंग आने चाहिए आपको, ठीक है। वंडरफुल देख लीजिए, वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यचकित, और इसका एक वर्ड होता है सरप्राइज, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं और प्रीवियस ईयर से लिए गए थे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनते रहेंगे, जैसे सिनोनिम एंटोनिम के, हो सकता है एक आध दिन गैप भी हो जाए, लेकिन आप इस चीज़ को तैयार करिए, यदि देख रहे हैं तो शुरू से देखिए, ठीक है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि यहाँ तक आपने देखा है तो एक रिक्वेस्ट और है कि हम ही लोग यहाँ पे वातावरण में अपने धरती पे रह रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी आप रहते हों एक पेड़ जरूर लगाइए अपने आसपास, जहाँ पे भी आपको ज़मीन थोड़ा सा मिले या फिर आपके पास ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हैं, तो दोस्तों एक पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नेचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो आप नहीं, आपके पास उतना ज़मीन है, पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ फूल ही लगा सकते हैं अपने छत पे, गमले में, ठीक है। इस तरह के काम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर कीजिए, इससे हमारा ही वातावरण स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये काम प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।